गाइस आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरा चैनल लिसिकोलिया ब्लॉग्स में। आप सभी को मेरा जोहार। फिर से एक नया वीडियो लेके आ गई हूँ। आज का टॉपिक थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा, जैसे कि आप लोगों को पता ही है राउरकेला में वर्ल्ड कप होने वाला है और वर्ल्ड कप के लिए राउरकेला का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। तो पेंटिंग्स के साथ ही सारा जगह का जो है मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। तो हॉकी मेरी जान अपने देश का साथ, इसी के साथ ही हम ये ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट जो है हम पहले अब जगह दिखाएंगे, उसके बाद उसका वॉल का पेंटिंग सब क्या क्या किया गया है वो भी दिखाएंगे। सो मेरे तरह ही आप भी शायद यही सोच रहे होंगे कि इस बार हॉकी वर्ल्ड कप के लिए जो राउरकेला का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है उसके लिए सारा जो वॉल सब है वो सब पेंट किया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ और डिफरेंट डिफरेंट जो है उसका स्ट्रक्चर के साथ। सो कलर जो है बारिश के टाइम में वैसे भी गंदा हो जाएगा और वो कलर जो है सब उतरने वाला है, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो सोचना एकदम सही है, क्योंकि आफ्टर वर्ल्ड कप इसका क्या हाल होने वाला है हम सबको पता ही है। बट अभी फ़िलहाल के लिए हम ये देखेंगे कि वर्ल्ड कप आ रहा है जनवरी में, जनवरी 13 में। सो तब तक ये जो है अभी जो पेंट किया जा रहा है तब तक ये ऐसे ही रहे, ऐसे ही सुंदर बनाए रहे, ये हमारा मोटिव रहना चाहिए। और हम अपने तरफ से जितना इसका प्रोटेक्ट कर सकें उतना करेंगे, हम इसको गंदा बिल्कुल नहीं करेंगे और कोई गंदा कर रहा होगा तो उसको रोकेंगे, ये हमारा मोटिव होना चाहिए। सो वो सब तो अलग ही बात है, बट हमारा जो है यहाँ का लोकल एरिया, हमारा डिस्ट्रिक्ट और हमारा स्टेट, हमारा कंट्री जो है कला और संस्कृति के लिए पूरे ही विश्व में फेमस है। सो इस बार क्यों ना हम वो सब चीज़ पेंटिंग के थ्रू उसको सामने लाएं और हमारे यहाँ पे जो भी घूमने आएंगे हमारे पेंटिंग सब देख के खुश हो जाएं। वैसे तो कलर्स जो है हमेशा से ही दिल खुश कर देने वाला रहता है चीज़ है। सो इस बार चलिए राउरकेला को एकदम कलरफुल नज़र से, कलरफुल पेंटिंग के साथ ही एंजॉय करते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहाँ पर क्या है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा हनुमान वाटिका और हनुमान वाटिका के वॉल शॉप में क्या क्या पेंटिंग किया गया है वो मैं आपके साथ जरूरी शेयर करूंगी। सो आप आगे देखते रहिए। होल राउरकेला में सबसे सुंदर मुझे हनुमान वाटिका का यहाँ का पेंटिंग सब लगा, जहाँ पे कि आपका रामायण का पूरा स्टोरी सब यहाँ पे बनाया गया है, राम जी के जन्म होने से लेकर सीता हरण और उसके बाद लव कुश का जन्म, वो सब यहाँ पे पेंटिंग के द्वारा ही दर्शित किया गया है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं रावण जी का यहाँ पे फ्रंट में दिखा रहा है, फिर सीता माता जी, ये जो सीता माता ये बनाया गया है ये डिटो सेम जो है हमारे टीवी सीरियल में जो सीता माता रहती हैं उनके तरह ही पूरा सेम बनाया गया है। आर्टिस्ट को बहुत ही दाद देनी पड़ेगी उनका, मतलब बहुत सुंदर है। और ये सब अभी से ही इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आप देख सकते हैं थोड़ा ही जो है चीज़ों से इसको ढका जा रहा है ताकि लोग जो है इसे गंदा ना करें। और राम सीता लक्ष्मण जी का ये फोटोज़ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पेंट किया गया है, ये कलर्स ये वाटर कलर से साथ पेंट किया गया है, इतना अच्छे से यहाँ पे इसको पोर्ट्रे किया गया है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। हर एक स्टोरी यहाँ पे मेंशन किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये दीवार में जो भगवान जी का यहाँ पे पेंटिंग किया गया है, सो इसके चलते कुछ कंट्रोवर्सी हो रहा था कि भगवान जी का फ़ोटो वगैरह यहाँ पे हम पेंट नहीं कर सकते, फुटपाथ है ऐसा बोल रहे थे। बट मन में विश्वास रखिए और जगह को अगर सुंदर रखेंगे तो हर जगह में भगवान बसते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे भगवान और यहाँ पे दुर्गा जी का भी यहाँ पे है, और उसी के साथ ही यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे पेशाब करना मना है। और लोगों को तो अपने तरफ से खुद से ही एक स्टेप लेना है इसको गंदा ना करने के लिए, फिर भी अगर लोग नहीं मानेंगे तो और क्या ही बोल सकते हैं। बट इसको सुंदर ऐसे ही रखना हमारा खुद का कर्तव्य है और हम ज़रूर ही इसे करेंगे।
सो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस बार का थीम पेंटिंग का चल रहा है यहाँ पे। सो राउरकेला का ये जो है ये हॉकी चौक से लेकर हनुमान वाटिका के जो रास्ते आता है वही रास्ते पे यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे आपका नर्तकी बनाया गया है और बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग यहाँ पे बनाया गया है। ये आई वाला पेंटिंग जो है बहुत अच्छा हाईलाइट हो रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे देखिए पूरा ही नर्तकी डांसर वो सब का पूरा यहाँ पे उनको पेंट किया गया है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। जब जब भी आप ये रास्ते में क्रॉस करेंगे तो इसको देखना बनता ही है, बहुत सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। और ऐसे ही सजाया जा रहा है पूरा ही राउरकेला को। इस बार का हॉकी वर्ल्ड कप जो है बहुत ही सुंदर कलरफुल होने वाला है। देख के ही मन मोहित हो जा रहा है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ सब बनाया गया है। यहाँ पे कुछ पेंटिंग जो है योगा से रिलेटेड बनाया गया है क्योंकि फ्रंट में ही हमारा जिम सेंटर सब है। सामने जो है योगा से रिलेटेड जो भी पेंटिंग सब जो भी पोस्चर सब है वो सब बनाया गया है और ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और रास्ता का पूरा ही वॉल सब जो है इसी से ही भरा हुआ है। एक बार आइएगा जरूर। ये रहा हमारा बोटिंग पार्क जो कि बसंती डीएवी पॉन्ड है और उसका वॉल पे क्या क्या पेंटिंग है वो भी देख लेते हैं। पर्सनली मुझे जो है डीएवी पॉन्ड का ये पेंटिंग सब बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि ये नेचर से भरा हुआ पेंटिंग इसे शो कर रहे हैं और एकदम इसका डिटेल जो है ना बहुत ही सुंदर है। कलर से लेकर जो है जो भी छोटा छोटा जो है डिटेल सब है सब कुछ यहाँ पे बनाया गया है। ये वाला पेंटिंग श्योर आपको एक बार विजिट करना चाहिए ये प्लेस में। और यहाँ पे सेल्फी वगैरह तो बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि देखिए आप खुद ही स्क्रीन में देख सकते हैं इतना ब्यूटीफुल से जो है आर्टिस्ट ने यहाँ पे अपना कलाकारी यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे ये सबसे बेस्ट है, मतलब नंबर वन पेंटिंग ये ही वाला मुझे लगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम जा रहे हैं सेक्टर 8 का डियर पार्क। जी ये हमारे रिंग रोड के साइड में ही है। नज़र जो है ना हमेशा आ ही जाता है इसका पेंटिंग सब में। इसका पेंटिंग भी जो है ना पूरा ही नेचर से रिलेटेड है क्योंकि ये डियर पार्क है। डियर सब बनाया गया है इसका वॉल पे और उसी के साथ ही पार्क से रिलेटेड जो भी थीम सब है वो बनाया गया है। एंड उसके साथ हमारे हॉकी प्लेयर जो सब हैं दिलीप तिर्की, हमारे ध्यानचंद जी और उनका भी यहाँ पे एक एक जो है पोर्ट्रेट बनाया गया है और बहुत सुंदर लग रहा है ये वाला पेस। ज़रूरी एक बार 5 मिनट के लिए ही सही रुकिएगा और ज़रूरी देखिएगा। फ्रेंड्स पहले जो भी वीडियो सब अपलोड हुआ है उसमें जितना सारा प्यार दिए हैं प्लीज़ इसको भी दिल खोल के प्यार कीजिएगा। हमें मोटिवेशन आपके प्यार से ही मिलता है। हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।